हेडलाइंस रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्लास में बैठे बैठे पूरा इलेक्शन सिस्टम समझ लेंगे। ये हुई ना बात। इलेक्शंस क्यों? क्योंकि इलेक्शंस हमारी डेमोक्रेसी के त्योहार होते हैं। क्या इलेक्शंस होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होते हैं? इलेक्शंस में इतनी मारधाड़ है डिशुम डिशुम में, उसके बावजूद भी इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन क्यों जरूरी है? ये सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई है। इंडियन इलेक्शन सिस्टम को समझने की कोशिश करोगे तो कैसे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज तय की जाती है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया जाता है, वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट होता है, प्रचार प्रसार करते हैं वो अपना, चुनाव प्रसार के बाद में पोलिंग और पोलिंग के बाद में काउंटिंग, ये सारी प्रोसेस आपको इस चैप्टर में जानने को मिलती है। मजा आया। इन सारी चीजों के ऊपर क्या इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, इन टॉपिक्स के थ्रू उस चीज को समझेंगे। और लास्ट में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में क्या चैलेंजेस हैं, ये सारी चैप्टर की रूपरेखा है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर शुरू होता है हमारा हरियाणा के स्टेट असेंबली के इलेक्शन की कहानी के साथ में। 1987 में चौधरी देवीलाल न्याय युद्ध छेड़ चुके थे जिसमें वो अपनी पार्टी लोकदल के थ्रू इलेक्शन लड़ रहे थे। कहानी से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वो कहानी एक इनसाइट देती कि इलेक्शन प्रोसेस क्या है, जीतते भी है हारते भी है। उसके बाद में सवाल निकल के आता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, मगर क्यों? तो जैसा कि हमने पुराने चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि आज हम उस सोसाइटी में जहां इतनी पॉपुलेशन है कि सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसीलिए सब अपने बिहाफ पे क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, और उन्हें चूज करने का बेस्ट तरीका है इलेक्शन। इलेक्शन से हम ये तय कर पाते हैं कि हमारे लिए लॉस कौन बनाएगा, सरकार कौन बनाएगा, किसके एक्शंस पॉलिसी को शेप देंगे, और इसलिए इलेक्शंस जरूरी होते हैं। समझ गया। पर एक मिनट, इलेक्शंस तो चाइना में भी होते थे, तो क्या हर एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है? नहीं, ये भी देखना होगा कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है कि नहीं। तो फिर से रिकॉल करेंगे कि इलेक्शन में हर इंसान के पास में वोटिंग राइट होना चाहिए। वोटिंग राइट के साथ साथ ही शुड हैव द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम कि वो किसे वोट दे, और ये रेगुलर इंटरवल पे उसे ऑप्शंस मिलते रहना चाहिए। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को लोग चाहते हैं वही डिसीजंस ले, और ये फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए। और यही सारी चीज हम देखेंगे भी कि क्या इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है इन तरीके से। अब एक सवाल यहां पे ये भी निकल के आता है कि इलेक्शंस में इतना कंपटीशन है, लोग चुनाव जीतने के लिए हर हद तक चले जाते हैं, तो इतना कंपटीशन होना जरूरी है क्या? यू आर अ गुड क्वेश्चन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस चीज को भली भांति जानते थे कि इलेक्शन में कंपटीशन सोसाइटी को डिवाइड कर देगा। उसके बावजूद भी फ्री और ओपन कॉम्पिटिशन रखने के पीछे का कारण ही यही था, क्योंकि अगर एक लीडर पावर में बने रहना चाहता है तो उसे लोगों को सर्व करना पड़ेगा, चाहे चाह के करे या पावर की चाह में आके करे, क्योंकि अगर वो लोगों को सर्व नहीं करेगा तो अगली बार उसे लोग चुनाव में वोट नहीं देंगे। तो ओपन कंपटीशन का ये सबसे अच्छा मेरिट है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कहानी आगे बढ़ती है। हमारा इलेक्शन सिस्टम क्या है? पूरी कंट्री में एक साथ इलेक्शन होता है, उसे जनरल इलेक्शन कहा जाता है, जो हर 5 साल में होते हैं, लोकसभा का चुनाव। वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं जिन्हें विधानसभा के चुनाव कहा जाता है, और लोकल लेवल पे पंचायत के लिए भी चुनाव होते हैं। इन चुनावों में अगर मान लीजिए कि कुछ सीट्स खाली रह जाती है तो वो सीट खाली होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एमपी या एमएलए की डेथ हो जाना या फिर रेजिग्नेशन के कारण, तो वो इलेक्शन जो होते हैं उन्हें बाय इलेक्शंस कहते हैं। बाकी पूरी कंट्री में एक साथ चुनाव जनरल इलेक्शन कहलाते हैं। अच्छा, अब इस इलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहली स्टेप होती है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज तय करना, यानी कि पूरी कंट्री को अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। लोकसभा के चुनाव के लिए पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है, और स्टेट असेंबलीज के लिए हर स्टेट में अलग अलग सीट होती है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में 230 सीट्स होती है। सिमिलरली पंचायत इलेक्शंस के लिए भी वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है उस गांव को, उस ग्राम पंचायत को। इलेक्शन प्रोसेस में दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करना। सवाल है पर क्यों? देखो, इलेक्शन सिस्टम ओपन कॉम्पिटिशन पर बेस्ड था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यह लगा कि अगर ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होगा तो कुछ वीकर सेक्शन जो कि एडुकेशनली और इकोनॉमिकली इतने मजबूत नहीं है वो चुनाव में कभी जीत ही नहीं पाएंगे। बड़ा नायाब सा तरीका निकाला गया कि कुछ कम्युनिटीज के लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाए। 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई, 47 सीट्स रिजर्व की गई है शेड्यूल ट्राइब के लिए, और ये नंबर चेंज होता रहता है, 2019 के हिसाब से डेटा है। सिमिलर रिजर्वेशन लोकल लेवल पे भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज के लिए लेटर ऑन इंट्रोड्यूस किया गया। 1/3 सीट्स विमेन के लिए भी रिजर्व की गई है। बात तो सही है।
इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व करने का मतलब कि अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वही कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा जिसकी कैटेगरी के लिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व की गई है। तीसरा प्रोसेस होता है वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर करना। कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो गई है, वोट कौन देगा, तो वन पर्सन वन वोट वाली वैल्यू के चलते हर एक इंसान को वोटिंग राइट है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इलेक्शन के पहले एक लिस्ट बनाई जाए कि कौन कौन एलिजिबल वोटर है। हमारी कंट्री में वोटिंग एज 18 इयर्स रखी गई है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के चलते। हर वो व्यक्ति चाहे अपर कास्ट लोअर कास्ट रिच पुअर कैसा भी हो वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, इलेक्शन में वोट दे सकता है वोटर्स लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा के। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस लिस्ट को अपडेटेड रखे क्योंकि हर साल कुछ बच्चे युवा बनते होंगे वोटर्स बनेंगे उनका नाम ऐड होना चाहिए। कुछ लोगों की डेथ होती है लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मूव कर जाते हैं जैसे भूतनाथ मूवी देखिए तो उनके नाम डिलीट भी करना होते हैं। सरकार एक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड देती है जिसके थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि हाँ आप एक एलिजिबल वोटर हो। अब चौथी चीज आती है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। वोटर तैयार हैं, तिलक किसे लगाएंगे, कौन चुनाव लड़ेगा, तो हर वो वोटर जो वोट दे सकता है वो चुनाव भी लड़ सकता है। बस फर्क आ जाता है उम्र का, 25 साल मिनिमम एज है टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन। अब कोई भी कैंडिडेट खुद भी इलेक्शन लड़ सकता है, किसी पार्टी से टिकट लेके भी चुनाव लड़ सकता है। अब एक बार जब पार्टी से अप्रूवल मिल जाता है तो उस व्यक्ति को नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कुछ अपनी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में देना होती है, जैसे उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टीज कितनी है, असेट्स लाइबिलिटीज और कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है। इन सारी चीजों के बाद में दूल्हा तैयार है, बराती तैयार है, बरात सजाने की जरूरत है। अगला प्रोसेस होता है इलेक्शन कैंपेन का। इलेक्शंस आर अबाउट चूजिंग द बेस्ट पीपल और लोग वो बेस्ट तब चूज कर पाएंगे जब उन्हें ये पता होगा कि कौन क्या करने वाला है। इलेक्शन कैंपेन में चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स अपना प्रोपेगेंडा लोगों तक पहुंचाते हैं बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़ी बड़ी रैलियां और बड़े बड़े स्लोगन्स के साथ, जैसे गरीबी हटाओ 1971 में इंदिरा गवर्नमेंट ने दिया। सिमिलरली आप 1977 में देखेंगे तो सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया और मल्टीपल स्लोगन्स के थ्रू लोगों तक अपनी पॉलिसी पहुंचाई जाती है। देखो ओपन तरीका होना चाहिए, फ्री एंड फेयर तरीके से लोगों तक अपनी पॉलिसी पहुंचाने का और अपना प्रोपेगेंडा पहुंचाने का हक है, लेकिन यहां पे कुछ रूल्स फॉलो करना होंगे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाए रखने के लिए। इन्हें कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, सेट ऑफ रूल्स जो पार्टीज को और कैंडिडेट्स को फॉलो करना होते हैं। जैसे आप धर्म के नाम पे वोट नहीं ले सकते हो, आप अंधा पैसा नहीं बहा सकते हो, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करोगे और अगर आप मिनिस्टर हो तो कोई मेजर पॉलिसी या फिर प्रोग्राम या फिर किसी भी तरह के स्कीम को स्टार्ट नहीं कर सकते इलेक्शन से पहले, तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। फाइनली आखिरी स्टेज होता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट। जी हाँ, लोग छुट्टी के दिन नहा धो के अपने घर से निकलते हैं पोलिंग यानी कि जिस दिन वोट पड़ना है, लोग अपनी उंगली पे तिलक लगवा के आते हैं और किसी के तिलक के सपने में अपना सहयोग दे के आते हैं। पहले वोटिंग जो होती थी स्टैम्प पेपर पे होती थी, अब ईवीएम पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होती है। सारी वोटिंग मशीन्स पे जब वोटिंग हो जाती है सारी वोटिंग मशीन्स को सील किया जाता है, एक सेफ जगह पे रखा जाता है। काउंटिंग ऑफ द वोट्स एक दिन तय किया जाता है जब सारी पार्टीज के कैंडिडेट आते हैं और काउंटिंग होती है। टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, हर जगह निर्णय दिया जाता है और कोई एक व्यक्ति जीत जाता है। दिस वॉज द इलेक्शन प्रोसेस। सवाल यह है क्या इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं? क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस आपको देखने को मिलते हैं कि कहीं पे पोलिंग बूथ को पलटा दिया, कहीं पे मारपीट हो गई, लेकिन ये अपने आप में पर्पस को डिफीट नहीं कर देता है। बहुत सारे रीजंस हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है। पहला रीजन है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि कंट्री में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो अपॉइंट जरूर प्रेसिडेंट के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन, ताकि उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर की जा सके। इंडियन इलेक्शन कमिश्नर के पास जितनी पावर है उतनी पावर शायद ही वर्ल्ड में किसी के पास है। वो पूरा इलेक्शन कंट्रोल करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करवाते हैं, लोगों को पनिश भी कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट को ओवर इलेक्शंस। और जब एक व्यक्ति इलेक्शन की ड्यूटी पे काम कर रहा होता है तो वो गवर्नमेंट के लिए नहीं, वो इलेक्शन कमिश्नर के लिए काम कर रहा होता है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर का इफेक्टिव यूज करके इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाए रखा है। दूसरा पॉइंट जो ये प्रूव करता है कि इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है वो है लोगों का बढ़ता पॉपुलर पार्टिसिपेशन। वो देखा जा सकता है टर्नआउट रेशियो के इंक्रीज होने से, वो देखा जा सकता है कि पुअर, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो है वो वोट करता है, घर से बाहर निकलता है,
लोग इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे वोट से फर्क पड़ता है और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में एसोसिएशन से बढ़ रहा है। ये प्रूफ करता है इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है। तीसरी चीज जो प्रूफ करती वो ये है कि इलेक्शंस के आउटकम को लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होते तो रूलिंग पार्टीज कभी हारती नहीं, लेकिन इंडिया में नेशनल और स्टेट लेवल पर रूलिंग पार्टीज हारती है। यूएसए में सिटिंग इनकम्बेंट रेयरली हारते हैं, पर इंडिया में हर इलेक्शन के बाद आधे एमपीज और एमएलएस का सफाया हो जाता है। इंडिया में बहुत पैसा खर्च करने वाला कैंडिडेट भी हार जाता है। दिस प्रूफ कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है। बेयरिंग अ फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस आउटकम, हर एक आउटकम को लोग जनमत मानते हैं, पीपल्स वर्डिक्ट मान के एक्सेप्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स ये प्रूफ करते हैं कि इंडिया में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है, डेमोक्रेटिक है। उसके बावजूद कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे बहुत सारा पैसे से कैंडिडेट जीत नहीं सकता है लेकिन अनड्यू एडवांटेज इंजॉय करता है। कुछ फैमिलीज डोमिनेट करती है इलेक्शन प्रोसेस में, जेन्युइन कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिलता है। अधिकतर देखने को मिलता है कि क्रिमिनल कनेक्शन वाले लोग टिकट ले लेते हैं और अच्छे लोगों को पुश कर देते हैं। साथ ही साथ सारी पार्टीज एक जैसी है, कोई चोर है तो कोई लुटेरे हैं। ज्यादा ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास में, और स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास में उतना एडवांटेज नहीं होता है। ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन के बीच में एक संबंध आपको देखने को मिलता है। दिस वॉज द होल चैप्टर, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।